Hello students, welcome back to another video of class 7th of science subject. Today I am going over a brief tutorial of your 5th lesson in science, acids, bases and salts. We use many food items in our daily life. हम अपने प्रतिदिनिक जीवन में बहुत सारे भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं. Some are sweet or salty and some are bitter or sour. कुछ मीठे या नमकीन होते हैं तो कुछ तीता कड़वा या खट्टा होता है. द सोर्स सावर साल्टी बिटर एंड स्वीट टेस्टेज ऑफ फूड अराइजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिड बेस और साल्ट इन देम. भोजन का ये खट्टा नमकीन कड़वा या मीठा जो स्वाद होता है वह उसमें उपस्थित एसिड यानी अम्ल बेस यानी क्षार और साल्ट यानी लवण के कारण होता है. दस सब्सटांसेस कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री कैटेगरीज एसिड बेस एंड साल्ट. इस प्रकार हम पदार्थों को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं. एसिड बेस एंड साल्ट. व्हाट इज एसिड? एसिड यानी अम्ल. एसिड इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस हुज इक्वल सॉल्यूशन इज शावर इन टेस्ट. एसिड को हम उन पदार्थों के रूप में हम वर्गीकृत कर सकते हैं जिसका जलीय घोल स्वाद में खट्टा हो. एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन when it is dissolved in water. जब एसिड को यानी अम्ल को पानी में घोलते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है. फॉर एग्जाम्पल जब हम HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में डालते हैं तो हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन के रूप में चेंज कर जाता है. और उसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम पानी में घोलते हैं तो हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में विभक्त हो जाता है. एंड टू टाइप्स ऑफ एसिड्स आर. एसिड दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड एंड सेकेंड मिनरल और इनऑर्गेनिक एसिड. तो व्हाट आर नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड? एसिड अकर नेचुरली एंड हैज कार्बन एज वन ऑफ द एलिमेंट. वह एसिड जो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है और उसमें कार्बन एक तत्व के रूप में मौजूद होता है. सम एग्जाम्पल्स आर एस्कॉर्बिक एसिड जो आंवला और खट्टे फलों में मिलता है, मैलिक एसिड जो सेब में मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड जो टमाटर और अमरूद में मिलता है, साइट्रिक एसिड जो नींबू और संतरा में मिलता है एंड लैक्टिक एसिड जो दही में मिलता है, फॉर्मिक एसिड जो चींटी के डंक में और नेटल प्लांट के डंक में होता है, पत्तों में होता है, एसिटिक एसिड जो विनेगर या सिरका में होता है एंड टार्टारिक एसिड जो इमली और अंगूर में पाया जाता है. ये सभी नेचुरल तरीके से हमें प्राप्त होते हैं इसलिए इन्हें नेचुरल या ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं. एंड सेकेंड इज मिनरल और इनऑर्गेनिक एसिड. एसिड विच डू नॉट कंटेन कार्बन आर मिनरल एसिड. वे एसिड जिसमें कार्बन मुख्यतः नहीं होता एक तत्व के रूप में उन्हें मिनरल एसिड कहते हैं. प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग ऑक्साइड्स ऑफ मिनरल्स इन वाटर. और इसे पानी में मिनरल के ऑक्साइड को घोलने से प्राप्त होता है. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड. टेस्टिंग ऑफ एसिडिक एसिड. टेस्टिंग ऑफ एसिडिक सब्सटेंस यानी जो अम्लीय पदार्थ है उनको टेस्ट कैसे करते हैं तो इसके लिए हमें इंडिकेटर की आवश्यकता होती है. इंडिकेटर क्या है? जो अम्ल और क्षार या साल्ट को बताते हैं और उनके साथ अपना रंग बदलते हैं. तो विथ लिटमस. लिटमस एक इंडिकेटर है. एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड. ब्लू लिटमस को अम्लीय पदार्थ लाल कर देता है. विथ मिथाइल ऑरेंज एसिड टर्न्स मिथाइल ऑरेंज रेड. एसिड मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है. एंड विथ फिनोफ्थलीन. फिनोफ्थलीन के साथ एसिड कोई रंग नहीं देता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता. एंड द यूजेज ऑफ एसिड. इनऑर्गेनिक एसिड्स आर यूज्ड इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज. इनऑर्गेनिक एसिड का उपयोग घरों में और उद्योग धंधों में होता है. सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड इन बैटरीज फॉर इन्वर्टर, मैन्युफैक्चरिंग पेंट्स, पेपर एंड फर्टिलाइजर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री. सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग बैटरी में होता है, इन्वर्टर की बैटरी में होता है, पेंट बनाने में होता है, कागज, फर्टिलाइजर और कपड़े बनाने की इंडस्ट्रीज में होता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज्ड फॉर मेकिंग ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च एंड क्लीनिंग सॉल्यूशन. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग
स्टार्च से ग्लूकोज बनाने में होता है और क्लीनिंग सॉल्यूशन यानी सफाई करने वाले सॉल्यूशन बनाने में होता है। नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। नाइट्रिक एसिड का उपयोग विस्फोटक पदार्थ बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में और धातुओं को साफ करने में होता है। ऑर्गेनिक एसिड्स आर माइल्ड एंड यूज्ड एज ए पार्ट ऑफ फूड। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं वो खाद्य पदार्थों में नेचुरली प्राप्त होते हैं, वे माइल्ड होते हैं और उनका उपयोग भोजन के एक हिस्से में होता है, भोजन के रूप में प्रयोग होता है। एसिटिक एसिड इज यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन। एसिटिक एसिड यानी सिरके का उपयोग हम भोजन को प्रिजर्व करने में, परिरक्षित करने में होता है, करते हैं, जैसे अचार बनाने में, सलाद बनाने में आदि में। टार्टारिक एसिड इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग सोडा और टार्टारिक एसिड का उपयोग बेकिंग सोडा बनाने में किया जाता है। एंड द सेकेंड इज बेसिस। बेसिस यानी क्षार। Those substances whose aqueous solution have a bitter taste and slippery feel, वे पदार्थ जिनका जलीय घोल स्वाद में कड़वा होता है और छूने में चिकना महसूस होता है। Bases produce hydroxyl ion when dissolved in water. जब पानी में इन बेस को घोला जाता है तो वो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। For example, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम पानी में घोलते हैं तो सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन मिलते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम पानी में घोलते हैं तो पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। और वे बेस जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें अल्कली कहते हैं, क्योंकि सारे बेस पानी में नहीं घुलते हैं, सिर्फ घुलने वाले बेस को ही अल्कली कहा जाता है। सम एग्जाम्पल्स आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यूजेज ऑफ बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सोप, टेक्सटाइल, मेडिसिन एंड इन क्लीनिंग वाइली मशीन पार्ट्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने के अलावा कपड़े बनाने में, दवाइयां बनाने में और तैलीय मशीन के पार्ट्स को साफ करने में होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग घर की सफेदी करने में, पुताई करने में और गंदे पानी को साफ करने में, उपचारित करने में किया जाता है। एंटासिड टैबलेट्स आर मेड बाय मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को एंटासिड बनाने में उपयोग किया जाता है और ये एसिडिटी को हटाने में काम आता है। टेस्टिंग ऑफ बेसिक सब्सटेंस। अब इंडिकेटर के आधार पर जो क्षारीय पदार्थ है उनका टेस्ट कैसे करते हैं, तो बाय लिटमस पेपर। लिटमस इंडिकेटर है बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। लाल लिटमस को बेस ब्लू कर देता है। विथ मिथाइल ऑरेंज बेस टर्न्स मिथाइल ऑरेंज येलो। बेस यानी क्षारीय पदार्थ मिथाइल ऑरेंज को येलो यानी पीला कर देता है। फिनोप्थलीन बेस टर्न्स फिनोप्थलीन पिंक। जो बेस होते हैं वे फिनोप्थलीन को पिंक कर देते हैं। एंड द इंडिकेटर्स, अभी इसके पहले भी आपने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा। वाटर इंडिकेटर्स स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस as used to test acidic or basic substance by changing their color. विशेष पदार्थ के पदार्थ जो अम्लीय और क्षारीय पदार्थों को टेस्ट करने में उपयोग किया जाता है by changing their color, यानी उसके रंग बदल जाते हैं। There are two type of indicators, natural indicator and synthetic indicator. Litmus, turmeric, China rose petal and beetroot are natural indicator. And the synthetic indicator जो प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं, फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। लिटमस पेपर एसिडिक सॉल्यूशन में लाल रंग देता है और बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू रंग देता है। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक सॉल्यूशन में लाल रंग देता है, वे बदल जाता है और बेसिक में येलो हो जाता है। फिनोप्थलीन एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस रहता है और बेसिक सॉल्यूशन में पिंक यानी गुलाबी हो जाता है। टर्मरिक यानी हल्दी एसिडिक सॉल्यूशन में कोई रंग में परिवर्तन नहीं होता और बेस के साथ
लाल रंग का हो जाता है। चाइना रोज पेटल यानी उड़हुल की पंखुड़ियां, वे एसिडिक सॉल्यूशन में गहरे गुलाबी रंग का बना हो जाती हैं और बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन हो जाती हैं। उसी तरह से बीट रूट एसिडिक सॉल्यूशन में पिंक हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में येलो यानी पीले रंग का हो जाता है। एंड द नेक्स्ट इज साल्ट्स। साल्ट्स यानी लवण। सब्सटेंसेस फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एन एसिड विथ ए बेस। वे पदार्थ जो एक एसिड और बेस को मिलाने से जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है उसके कारण बनते हैं, और ये साल्ट और वाटर देते हैं। बेस प्लस एसिड फॉर्म साल्ट एंड वाटर। जैसे NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, जब दोनों को मिलाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड साल्ट मिलता है और वाटर बनता है। यूजेज ऑफ साल्ट। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ साल्ट। सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट। सोडियम क्लोराइड को नमक कहते हैं जो हम घरों में उपयोग करते हैं। यूज इन फूड आइटम्स एंड प्रिजर्वेशन, जिसका उपयोग भोजन में सब्जियों में डालने में, दालों में डालने में और प्रिजर्वेशन यानी भोजन को परिरक्षित करने में किया जाता है, जैसे अचार वगैरह में डाला जाता है। ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ वॉशिंग सोडा, इसका उपयोग सर्फ बनाने में भी, वॉशिंग सोडा बनाने में भी किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। यूज्ड इन बेकिंग ब्रेड एंड केक्स, और इसका उपयोग ब्रेड बनाने और केक बनाने में किया जाता है, जिससे ये स्पंजी बनते हैं। यूज्ड इन मेडिसिन एंड फायर एक्सटिंग्विशर, और इसके अलावा इसका उपयोग दवा बनाने में और अग्निशमक बनाने में होता है। पोटास एलम यानी फिटकरी, ये भी एक साल्ट है। यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। फिटकरी का उपयोग, पोटासियम का उपयोग पानी को साफ करने में किया जाता है। एंड सिल्वर नाइट्रेट यूज्ड इन डेवलपिंग फिल्म्स इन फोटोग्राफी। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग फिल्म को डेवलप करने में, फोटोग्राफी में किया जाता है। फिर नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द प्रोसेस इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद ए बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। वह प्रक्रिया जिसमें एक एसिड और एक बेस को मिलाने से दोनों के गुण न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं और साल्ट और वाटर बनता है। जैसा कि आपने बेसिस के संबंध में देखा, कि जितने साल्ट के संबंध में देखा, जितने भी साल्ट बनते हैं इसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कारण बनते हैं। तो व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो इसके क्या क्या उपयोग हैं। फर्स्ट इनडाइजेशन, ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड काउज एसिडिटी। जब हमारे स्टमक में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा बन जाता है तो इससे एसिडिटी होने लगती है। एंटासिड टैबलेट्स कंटेनिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड एंड गिव रिलीफ। तब हम इस एंटासिड टैबलेट लेते हैं जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बना होता है, जो अधिक मात्रा में बने एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें राहत देता है। एंड सेकेंड इज सॉइल ट्रीटमेंट, यानी मिट्टी को उपचारित करने में सॉइल बिकम एसिडिक ड्यू टू यूज ऑफ एक्सेस फर्टिलाइजर। बहुत ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर डालने से मिट्टी अम्लीय हो जाती है। फार्मर्स रिड्यूस एसिडिटी ऑफ सॉइल बाई एडिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू इट। तो किसान इस मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना मिलाते हैं, और ताकि फसल अच्छी तरीके से उग सके। एंड द थर्ड इज स्टिंग ऑफ येलो वास्प, यानी पीले बिडनी का डंक। स्टिंग ऑफ येलो वास्प कॉन्टेन अल्कली, पीले बिडनी के डंक में क्षार ये पदार्थ होता है। दिस इज न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग एसिटिक एसिड, और जब जहां बिडनी ने काटा है पीले रंग वाली, अगर वहां हम एसिटिक एसिड यानी सिरका को रगड़ते हैं तो हमारा दर्द कम हो जाता है, क्योंकि उस अल्कली को एसिटिक एसिड न्यूट्रलाइज कर देता है। एंट एंड बी बाइट, द स्टिंग ऑफ एंट एंड बी कंटेन फॉर्मिक एसिड। चींटी और मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। दिस कैन बी क्योर्ड बाय रबिंग सोप, तो जब हम इस पर साबुन से रगड़ते हैं तो साबुन का बेसिक सब्सटेंस फॉर्मिक एसिड से मिलकर
उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और इस प्रकार हमें राहत मिलती है। दैट्स ऑल, थैंक यू।